मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 8 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। मामले की जानकारी देते हुए SSP जयंत कांत ने बताया कि SDPO सरैया, DSP पश्चिमी के नेतृत्व में बनी टीम ने अपने क्षेत्रों में लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और अपराधियों को धर दबोचा। SSP ने आगे बताया कि बीते दिनों साहेबगंज में स्वर्ण व्यवसायी से चांदी की लूटपाट हुई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने मामले में हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है व लूटी हुई चांदी बरामद कर ली गई है। वहीं जिले के ही मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक कुख्यात अपराध कर्मी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फकुली OP इलाके से भी एक अपराधी को लोडेड रिवॉल्वर के साथ गुप्त सूचना पर रंगे हाथों धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 4 सदस्य को भी हथियार के साथ धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधी मुजफ्फरपुर और सीमावर्ती इलाकों में घूम घूम कर जेवरात साफ करने के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर नशीला पदार्थ खिलावा हथियार दिखाकर लूटपाट करते हैं। पुलिस ने उनके पास से देसी कट्टा, बाइक, जेवरात साफ करने का पदार्थ आदि भी जब्त किया है। कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 6 कंट्रीब्यूट वेपन जिसमें कट्टे एवं रिवॉल्वर शामिल है की बरामदगी हुई है। इस मामले में DSP वेस्ट और DSP सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुजफ्फरपुर में कुढ़नी, तुर्की और साहेबगंज के थाना क्षेत्रों में लगातार रेड के दौरान इन क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है। DSP सरैया को इस मामले में सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में चांदी की लूटपाट की गई थी रोड पर, और इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौकाए वारदात से साहेबगंज में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया और जिनके पास से 2 कंट्रीब्यूट वेपन मिले हैं और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो लूटे गए सामान जो कि चांदी थी उसको रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त DSP वेस्ट को इस मामले में सूचना मिली थी कि मनियारी थाना क्षेत्र में और फकुली थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि गैंग बना करके लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने फकुली में रेड के दौरान एक क्रिमिनल से रिवॉल्वर बरामद किया गया और इसके अलावा मनियारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुढ़नी में सोने को लेकर के और उसको साफ सफाई के नाम पे सोने के चोरी करने का आरोप में 2-4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से सोना साफ करने का सामान और ज्वेलरी बरामद की गई है। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इसमें जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। ये लोग बड़े क्रिमिनल गैंग से संपर्क में है और जिसके साथ में जिसके अहम सबूत हम लोगों को मिले हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो भी चीज है इसके लिए इन लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें से जितने भी लोग हैं वो पहले से भी मतलब इसी तरीके की घटनाओं में रहे हैं और अभी हैं, इसलिए जो इनसे पूछताछ जारी है। डिफरेंट लोकेशन से ये लोग सप्लाई करते हैं, कई बार अन्य राज्यों से भी और अन्य जिलों से भी मंगाते हैं और इन लोग से पूछताछ कर रहे हैं। ये एशियन पेंट्स का GX19, इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर, टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।